हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 चैप्टर नंबर 22। इसमें हम रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, ठीक है। अब आज हम नया जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस यानी कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इस कंडीशन के अंदर वह अपना इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए दो जगह पर जाता है। या तो वह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा या फिर वह सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, और सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पब्लिक पब्लिक जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है, यानी सार्वजनिक आप जिसको कह सकते हो, जो सभी के लिए होता है। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लगाया जाता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं उसके संदर्भ में हम इसको प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, गवर्नमेंट की एक जो चेन होती है उस चेन के अंदर कई तरह के पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस सेंटर चलते हैं, जिसकी आप देख सकते हो अर्बन और रूरल दोनों एरिया में कॉमन होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर देख सकते हो कि हॉस्पिटल्स की एक सीरीज़ होती है, जैसे गांव के अंदर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जिसको आप कह सकते हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या बड़े शहरों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। तो इस तरह की जो चेन होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलती है, ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि संविधान के अंदर व्यक्ति को जो लाइफ का राइट है, जीने का अधिकार है, उसमें भी ये कहा गया है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए उसकी जो बेसिक नीड्स है वो उसे मिलनी चाहिए, जिसमें उसकी हेल्थ भी शामिल है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल के अंदर व्यक्ति का इलाज किया जाता है और वो जो इलाज किया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज होता है, डॉक्टर्स नर्सेज जो होते हैं वो उसकी केयर करते हैं, उसका इलाज करते हैं, साथ ही साथ उसको जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सारा फ्री दिया जाता है, उसकी जांचें वगैरह भी फ्री में होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो किसके द्वारा रन की जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है। देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस इज द चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स वे हैं जो किसके द्वारा रन किए जाते हैं, किसके द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इसमें PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के बारे में भी बताया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि गांव के अंदर किस तरह के कोई भी केसेस होते हैं तो वहाँ पर उसको संभाला जाता है, उसको देखा जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उसको फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के बारे में पढ़ा और ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है और इसमें व्यक्ति को किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। यहाँ पर व्यक्ति का जो इलाज किया जाता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा इलाज के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो इन हॉस्पिटल्स में की जाती है। अब वो चीज़ें कौन कौन सी है, जैसे कि मान लो कोई महामारी फैल रही है, कोई बीमारी फैल रही है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी के संदर्भ में आप देख सकते हैं कोरोना महामारी फैल रही है, तो ये हॉस्पिटल जो होते हैं वो लोगों को जागरूक बनाते हैं, साथ ही साथ उनका इलाज करते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होने पर उसको उसका सही ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे कोरोना की जांच करवाने तो आपके 4,500 का जांच का पैसा लिया जाएगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कर रही है, लोगों के पास स्वयं जाकर, स्वयं इसके जो वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, वो स्वयं जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उनको
पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव बताकर फिर बाद में उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो होती है वो इस तरह के सारे वर्क करती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कई तरह के अन्य योजनाएं काम भी चलते हैं, जैसे कि टीकाकरण होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट होने पर महिला का किया उसका बच्चा की किया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह की बातें होती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, साथ ही साथ समय समय पर उनका टीकाकरण वगैरह भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जाती है। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विस, यानी प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर के अनुसार होती है। इसमें क्या किया जाता है कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो डॉक्टर होते हैं वो अपना खुद का प्राइवेट निजी क्लिनिक खोलते हैं, जहां पर वो पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को देखने के एवज में वो उससे फीस भी वसूल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिक के अलावा उनके हॉस्पिटल भी होते हैं जहां पर वो उनको ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होने पर उनको भर्ती किए करते हैं और उसको इलाज भी वहाँ पर किया जाता है। कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि आजकल लोगों की थिंकिंग ये हो गई कि सरकारी हॉस्पिटल की अपेक्षा प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज किया जाता है, इसलिए कई बार देखा भी है कि मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि लोगों की जो थिंकिंग है वो यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी ज़्यादा केयर की जाती है, ज़्यादा उनकी देखभाल की जाती है और उनका इलाज भी अच्छी तरह से किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दे आर नॉट ऑन आर द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करती, यानी ये प्राइवेट सेक्टर के होते हैं इसलिए गवर्नमेंट का इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो हस्तक्षेप किस कंडीशन में होता है, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ गलत तरह की आपराधिक गतिविधियाँ कर रहा है, गलत तरीके से कार्य कर रहा है, लोगों को साथ लूट रहा है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा सकती है, अदरवाइज गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वो लोगों का ट्रीटमेंट तो करते ही हैं कई बार, लेकिन उनकी जो मूल लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, तो इसी कंडीशन में कई बार ये भी होता है कि वो लोग व्यक्ति का इलाज लंबा चलाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसी तरह से हमने आज यहाँ पर दोनों हेल्थ सर्विस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।